दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के वनस्पति विज्ञान विभाग व चंद फाउंडेशन गोरखपुर द्वारा न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन एवं मानसिक स्वास्थ्य विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉ. अभय कुमार सह युक्त आचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भोजन करने का तरीका एवं भोजन करने का स्थान, तीनों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जैसा खाएं अन्य वैसा हो मन, जो कि हमारे धर्मों में कहा गया है, वैज्ञानिक रूप से सत्य है। उन्होंने अपने द्वारा किए गए शोध में, जिसमें कि सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च लखनऊ के वैज्ञानिक शामिल थे, उसका उल्लेख करते हुए कहा कि आजकल युवा वर्ग में मानसिक बीमारी बढ़ रही है, जिसका कारण खराब जीवन शैली एवं भोजन का सही प्रकार से ना करना है। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, जिसका सीधा संबंध हमारे भोजन एवं स्वास्थ्य से है। भोजन, न्यूट्रिशन एवं शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाना चाहिए। हमारे शरीर के जीवाणु, भोजन एवं पर्यावरण हमें सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। आजकल फास्ट फूड खाने में पेट की बीमारी, साथ मानसिक अवसाद बच्चों में पाया जा रहा है। दूसरी बीमारी जो तेजी से फैल रही वो है अल्जाइमर, किसका कोई इलाज नहीं है। इस अवसर पर विशिष्ट वक्ता डॉक्टर स्मिता सिंह, सहायक संचालन धर्मचंद, प्रोफेसर परीक्षित सिहानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। समय से भोजन नहीं करेंगे, भोजन के प्रकार, हॉस्पिटल में जो बेचारे मरीज के साथ परिजन आए थे उनको एजुकेशन हेल्थ को अपलिफ्ट करना प्लान में, तो हम लोग सारे लोग मिलकर के इसको अकम्प्लिश करते। मैं एक वनस्पति विज्ञान आया हूँ, इसके पीछे ये रीजन है कि आज के परिवेश है, उनको ये नहीं पता है कि अगर हम लेकिन पिज्जा खाते हैं, पिज्जा का जो अभी हाथ में पिज्जा है, दूसरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से क्या